नोट नंबर 7 असेस. असेस एक वर्ड था राइट मेरे चार्जिंग सेक्शन में. टोटल इनकम अर्नड बाय अ पर्सन इन प्रीवियस ईयर शैल बी असेस इन असेसमेंट ईयर. तो नाउ वी आर ट्राइंग टू डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय असेस. तो असेस का मतलब होता है कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी. लेकिन टैक्स लाइबिलिटी तब कंप्यूट कर पाएगा बेटा जब तुमने टोटल इनकम कंप्यूट किया हुआ है. ठीक है, बिकॉज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैक्स. टैक्स इज द फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट. तो सबसे बड़ा चीज जो होता है वो टोटल इनकम कंप्यूट करने का होता है. इसलिए 90% एरिया इज कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड देन हार्डली 10% विल बी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स. यस्टरडे वी हैड डिस्कस मेनी इलस्ट्रेशंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बेस्ड ऑन दिस स्टोरीज. ओके, दिस इलस्ट्रेशंस. सो टैक्स रेट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स रेट्स, यू ऑलरेडी नो इट. नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम. फॉर नॉर्मल इनकम नॉर्मल टैक्स, फॉर स्पेशल इनकम स्पेशल टैक्स. नॉर्मल इनकम टैक्स आर गिवन इन एनुअल फिनेंस एक्ट, फिनेंस एक्ट 2017. वी हैड डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल प्रोविजंस ऑफ फिनेंस एक्ट 2017 यस्टरडे. ठीक है, एंड फॉर स्पेशल इनकम वी आर हैविंग स्पेशल रेट ऑफ टैक्स गिवन इन दिस चैप्टर दिस सेक्शन 110 to 115. टू इलस्ट्रेट, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, illustrative list. For IPCC, this list is more than enough, but still we will discuss a few more sections from this chapter. Final level, all chapters, all sections. लेकिन अभी पूरा नहीं पढ़ना, अभी now we have to discuss only restricted sections. तो कुछ sections मैं हमेशा आपको पढ़ाते रहूँगा. It's not that I'm teaching you today. These sections are like involved in different chapters. ठीक है, तो capital gain करके एक chapter था, याद है आपको? Fourth head, capital gain. पहला income from salary था, house property था, पीजीबीपी था, एंड देन कैपिटल गेन. उस चैप्टर में ये दो सेक्शन मिलेंगे आपको, 111A एंड 112. सीजी मतलब कैपिटल गेन होता है मेरे यहाँ पे, एसटी मतलब शॉर्ट टर्म, एलटी मतलब लॉन्ग टर्म. एसटी में सारे एसटी नहीं है, पूरा नहीं लिखना है, सुनो मेरी बात. अरे पढ़ेंगे ना यार, तुम लोग सालों चालू हो जाते हो, इतना याद नहीं रख सकते क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एसटीटी पेड एक टैक्स होता है. एसटीटी व्हेनेवर यू ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज समझते हो? कहाँ होता है? दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम बताओ जो बताओगे. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. थैंक्स अ लॉट. ठीक है, उसमें क्या क्या बिकता है? शेयर्स बिकते हैं. ठीक है, व्हेनेवर यू सेल योर शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज यू हैव टू पे वन टैक्स. ओके, इट्स नॉट अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो टैक्स भरना पड़ता है, एंड द टैक्स इज नोन एज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. कौन सा टैक्स हम भरते हैं मार्केट में? ये बाय साइड पे भी लगता है, सेल साइड पे भी लगता है, क्योंकि ये ना गेन वगैरह का, इनकम वगैरह का टैक्स नहीं है. तो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका टैक्स है, और इसलिए इसका नाम क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. अगर तूने वैसा वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, कैसा वाला? शेयर मार्केट वाला. शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट बेचोगे तो कैपिटल गेन होता है. आई कैन सेल पर्सनली ऑल्सो, मैंने अपने शेयर्स आपको बेच दिए, तो यहाँ पे भी मुझे गेन हो सकता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट गेन, पर्सनल वाला. इफ आई गो टू शेयर मार्केट एंड इफ आई सेल माय सिक्योरिटीज ऑन शेयर मार्केट एंड इट हैपेंस टू दैट देयर इज अ गेन, ओके, दैट गेन विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 15%. तो यहाँ पे सारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होता. लोगों को क्या लगता पता है? इस दुनिया के तमाम सारे क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विल बी टैक्स अंडर 111A. दैट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन. ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर क्या पे हो चुका है? एसटीटी. इसका ये मतलब है वो कहाँ पे ट्रांजेक्शन कहाँ पे होना चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी तो एसटीटी पे होगा. घर पे शेयर ट्रेड करोगे तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा, अपना एसटीटी पेड नहीं होगा. एसटीटी पेड तभी होगा व्हेन योर ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. आर वी क्लियर? ठीक है, ऐसा कुछ है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब थोड़ा असेट जिसको आप 3 साल से ज्यादा पकड़ के रखते हो अपने पास, होल्डिंग पीरियड जिसका मोर देन 3 ईयर्स होता है, और बाद में आप सेल करते हो तो लॉन्ग टर्म होता है. उसका भी कंसेशनल रेट उन्होंने दिया है 20%. अच्छा, 15% 20% कंसेशनल बेनिफिशियल है कि अगेंस्ट असेसी है? मुझे एक बात बताओ, शेयर मार्केट में गरीब लोग ट्रेड कर रहे हैं, अमीर लोग ट्रेड कर रहे हैं? अमीर लोग ट्रेड करते होंगे. और अमीर लोगों का ऑर्डिनरी इनकम अगर मैं बात करूं तो कौन से स्लैब में टैक्स होगा? 30% पे होगा, राइट? अमीर लोगों का, क्योंकि अमीर लोग है तो 10 लाख से ज्यादा ही कमाते होंगे. ठीक है, और हमने उनको बोला है कि आप अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे और आपने अगर एक टैक्स भर दिया, कौन सा? एसटीटी, तो इनकम टैक्स हम कंसेशनल रेट पे लगाएंगे. And how is it concessional? Normally कितना लगता है आपको? 30. क्योंकि आपने STT भर दिया है, हम आपको कितना लगा रहे? 15. So this 15 is a concessional rate, beneficial rate. समझ में आ रहा है? वैसे ये भी 20% भी कमी है, क्योंकि actual tax rate तो कितना है?
30%, तो वैसे 20% भी कम वाला है, लेकिन ये सारे सारे गेन के लिए. इधर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, मतलब मैक्सिमम टाइप के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे उसके ऊपर क्या होगा, आपको टैक्स रेट कितना लगेगा, 20%. इतना याद रखो, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, असेट बेचना खरीदना नॉर्मल है क्या आपके लाइफ में? नहीं, नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है. दिस इज अ स्पेशल ट्रांजैक्शन, स्पेशल इनकम बनेगा और नॉर्मल टैक्स नहीं लगेंगे, स्पेशल टैक्स लगेंगे. और स्पेशल टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट में नहीं है, सेक्शन लिखा मैंने, मतलब ये सेक्शन कहाँ का है? इनकम टैक्स एक्ट का है. सेक्शन मेंशन के इसका मतलब आपको आगे क्या बोलना है, इनकम. सेक्शन 111A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. कुछ नालायक बच्चे इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, पता नहीं क्यों. मैंने लिखा है ब्रैकेट, नहीं तो आपको ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालना. सेक्शन का नंबर ये है 111A, यही नंबर है उसका. चल अल्फाबेट बीटे पागल, वही नंबर है उसका, बोला खत्म. ठीक है, 112 उसका नंबर ही है. सो 115 करके बहुत सारे सेक्शन हो गए फिर, लेकिन 115 अलग है और 115BB अलग सेक्शन है, 115BBE अलग सेक्शन है. सर इन दोनों के बीच में स्पेस छोड़ना है क्या? नहीं, स्पेस की छोड़ा क्या करेगा उधर? स्पेस नहीं, कुछ लोग छोड़ते ऐसे बीच में, इधर डैश मारते हैं, उधर लिखते थोड़ा ऐसा डिस्टेंस. क्यों नहीं, वो चिपक के चाहिए, दोनों साथ में है. पागल, ठीक है सर आपने छोड़ा, अरे इधर नहीं, मतलब मैनेज नहीं होता वो. ठीक है, और कभी कभी लोगों को नंबर लग देता है, कुछ नंबर ही दिखते हैं मतलब अलग से. ठीक है, पता नहीं है, जैसे क्या लिख देंगे, 1000 और 100 मतलब 1114 ऐसा लिखते हैं, पता नहीं कुछ दिखता है उनको ऐसे नंबर. ये नंबर नहीं है, ए है. ठीक है, और इतने सेक्शन नहीं मेरे इनकम टैक्स में, लास्ट सेक्शन 298 है न्यूमेरिकली, समझा? हाँ, तो 115BB, बीबी मतलब बाजीगर, बाजीगर मतलब जो सट्टे लगाता है. सट्टे लगाने वाले का इनकम अच्छा इनकम है क्या? नहीं. बुरा इनकम है. सट्टे लगाओगे, जुआ खेलोगे, अच्छा काम है, धन्य, आप धन्य हो, आपने बहुत पुण्य का काम किया है और लॉटरी लग भी गई है, नसीब पाया आपने, आप खुश, हम खुश. डायरेक्ट कितना? हाँ, कैजुअल मतलब नॉर्मल नहीं, कैजुअल, कैजुअली कमा दिया. रस्ते से जा रहे थे बैग मिला, बैग उठाया, खोला, क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मुझे लगा बॉम्ब भी मिलते आजकल. हाँ, तो बैग खोला, पैसे लगे, थैंक यू पापा, थैंक यू गांधी जी, सब कुछ आपने थैंक यू बोल दिया, पीछे से इनकम टैक्स वाले आए, थैंक यू, आपको पैसे मिले, हमें खाली कितने दो? 30% दो. आपने कमाया क्या इसे? नहीं, मेहनत तोड़ना क्या करनी पड़ती, सट्टा लगाने के लिए मेहनत तोड़ना क्या करनी पड़ती है. वुमेन्स क्रिकेट टीम पे लगाया आपने, लड़कियां हारेंगी, लगा दिया आपने, और पूरी दुनिया क्या बोल रही, नहीं नहीं इंडिया तो जीतेगा, रूल ऐसा इंडिया जीतेगा, लेकिन इंडिया जीता क्या फाइनल में? नहीं, हम भी नहीं जीते, पता है ना, हम भी हार गए, वो भी हार गए. तो हारना भी कभी कभी होता है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को, आप बाजी कर निकले, पैसे कमाए आपने, लेकिन ठीक है आप हारे फिर भी पैसे मिले, क्योंकि आपने हारने पे बोली लगाई थी. ठीक है, आप खुश हो कि वो लोग हार गए, क्योंकि आपने हारने पे बोली लगाई थी और बाकी सब लोग जीतने पे बोली लगाई थी. तो 1:20 का रेशो होता है कभी कभी, ऐसा इतना भी खींचता है, मुझे एग्जैक्ट रेशो नहीं पता था मैच का, कल की मैच का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे रेशो होता है सट्टेबाज सट्टे मार्केट में, 1 रुपया लगाएगा तो 20 रुपया मिलेगा, अगर मेरी साइड जीत गई तो. तो अगर कल मैंने 1 रुपया लगाया होता, 1,00,000 रुपया लगाया होता, और अगर 20 का रेशो चल रहा है तो मुझे 20 लाख मिलेगा. ओ माय गॉड, क्या करूँ 20 लाख का, डिपार्टमेंट बोलता है 30% हमारा रखो, बाद में देख लेते हैं. ठीक है, तो ये बीबी वाला इनकम याद, सेक्शन कैसे याद रखने का, बाजीगर, बिग बाजीगर, ठीक है, बड़ी बोली, जैसे आपको जो माइंड में आपको समझ में आ रहे हैं. ठीक है, 115BB, लड़कियां क्या करती, कुछ गंदा दिखा तो क्या दिखती, लड़कियां कैसे करती, क्या एक्सप्रेशन आता है, कौन सा आवाज बाहर आता है, ई, वाह, आवाज चाहिए हो, बीबी ई. ठीक है, इनकम टैक्स आपके घर पे आई, ठीक है, इनकम टैक्स के ऑफिस, एक ऑफिसर लेडी ऑफिसर भी है, ठीक है, IRS ऑफिसर है, उन्होंने आपका वॉल तोड़ा फोड़ा है सब, ठीक है, ये सब निकाला, ठीक है, और इसमें से गांधी जी गिरना चालू हो गए, वो क्या करेंगी, बीबी ई. हाँ सर, वो कितना ले लेंगी उसका, इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन. एग्रीगेशन पता है आपको, एग्रीगेशन रेड में होता है. सेक्शन याद है एग्रीगेशन के, 68, 69, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, ऐसे सेक्शन है. इसे एग्रीगेशन को हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अनडिस्क्लोज इनकम बोलते हैं. अनडिस्क्लोज मतलब जो हमने सामने से नहीं बताया कि हमारे पास इतना पैसा है, चोरी का पैसा, ब्लैक मनी ना, ये खुद से कोई खुद से बताएगा क्या, मेरे घर पे इतना ब्लैक मनी है,
नहीं वो तो डिपार्टमेंट वाले आपके पास आएंगे, पकड़ेंगे तब आपसे टैक्स लेंगे. पकड़ा तो आप बोलोगे सर 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 अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5% रिबेट भी मांगे होंगे. पागल जूता निकाल के मारेंगे तुझे. एक तो तूने साले चोरी करके रखा था, हमने मेहनत करके पकड़ा हुआ है और फिर स्लैब लगाए. जब स्लैब ही लगाना था तो पहले बता देता, अभी तो तुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना. और फिर मैंने बात का बताया ठीक है ना सर 30% लेके जाएंगे. नहीं 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 200% की पेनाल्टी और 7 साल की जेल भी है. वाह मजा आ जाएगा आपको. कौन सा सेक्शन में होता है ये सब? 115BBE. हाँ ई में थोड़ा सुर होना चाहिए. हाँ बवड़ा. बवड़ा मतलब रीड करने का ट्राई करोगे तो ऐसा ही कुछ निकलेगा. ऐसा रीड नहीं करना है लेकिन इंटरव्यू वगैरह में जाके ऐसे मत बोलो डिविडेंड टैक्सेबल अंडर वन बबड़ा. निकाल देंगे. बाहर मार्केट में जाके क्या बोलना है 115BBDA. हाँ ये सेक्शन का नंबर है सर. सेक्शन का नंबर तो नंबर होना चाहिए. नहीं नंबर प्लस अल्फाबेटिक दोनों होता है हमारे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन है. ठीक है तो एक्चुअली नंबर आते कैसे पता है आपको? उन्होंने जब सेक्शन जब लिखे थे ना ओरिजिनली 1961 में, तब ऐसा कुछ नहीं था ए वगैरह. ठीक है तब तो नॉर्मल था 115, 114, 130 ऐसे नॉर्मल सेक्शंस होंगे. तो उनको एक सेक्शन अमेंड करना है, नया सेक्शन लाना है. ठीक है तो जैसे पकड़ लो मेरे यहाँ पे ऐसा था एक सेक्शन था 92B और एक सेक्शन था 92C. ठीक है ऐसे सेक्शन थे. अब 92B सेक्शन जो है ट्रांसफर प्राइसिंग की बात बता रहा हूँ आपको. 92B जो है ना उसमें कुछ ट्रांजेक्शन लिखे हैं जिसकी वैल्यू 92C में निकलती है. तो 92B में ट्रांजेक्शन की लिस्ट दी है और उसकी वैल्यू कब कहाँ निकलेगी 92C में निकलेगी. और ये था इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग. इंटरनेशनल मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए एप्लीकेबल हो रहा था. फिर कुछ इंडिया के ट्रांजेक्शन भी उनको कवर करने थे. ये तो लॉ किसके लिए बना था? इंटरनेशनल के लिए. फिर उन्होंने देखा कि इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े एसएससी जो मतलब महाराष्ट्र गुजरात में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन हो रहा है और उसको भी ये रूल कौन सा रूल अप्लीकेबल, कौन से रूल अप्लीकेबल 92C के. अब उनके पास ऑप्शन था कि नया चैप्टर लिखे पूरा का पूरा अलग से, जैसे इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग था वैसे डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग करके नया चैप्टर लिखे. या तो उसने दूसरा एडजस्टमेंट क्या निकाला, उनको डोमेस्टिक ये लिखा था इंटरनेशनल के लिए यही रूल डोमेस्टिक के लिए भी अप्लाई करने थे. उन्होंने बी को थोड़ा ऊपर ढकेला, सी को थोड़ा नीचे ढकेला और उन्होंने लिखा 92BA. तो ऐसे सेक्शन कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं, समझ रहा है? बी पहले से था, सी पहले से था, डी नहीं लिख सकता था मैं, डी भी था, ई पहले से था, एफ था, जी निकल सकता था या आई निकल सकता था या 93 नया सेक्शन निकल सकता था. लेकिन फिर 93 को 92C कैसे लगाऊं पहले वाला? तो उन्होंने क्या किया, सी को थोड़ा नीचे ढकेल के नया सेक्शन इंसर्ट किया. अब क्या होता है 92B और 92BA में जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर 92C लग रहा है. तो जैसे लॉ चेंज होता है ना, जैसे नया आता है वैसे वो लोग अल्फाबेटिकल्स ऐड करते हैं. अगर उस सेक्शन के रिलेवेंट जैसे 115 था पहले से, फिर उनको एक नया इनकम इसमें ऐड करना था तो उन्होंने BB ऐड कर दिया तो 20% 30% वाला आ गया. 30% वाला और एक बात भी उनको ऐड करना था कभी तो उन्होंने क्या बना दिया फिर BBE बना दिया. समझ रहे हैं? सब बोलोगे BBA भी तो बना सकते थे पहले, होगा BBB होगा, BBC होगा, D होगा, तो उनको क्या मिल गया फिर E लगा दे. तो ऐसे नई सीरीज बनती है. तो BBD था पहले हमारे पास, ये लास्ट ईयर में उन्होंने BBDA करके नया सेक्शन लाया हुआ है. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल होता है कि एग्जेम्प्ट होता है? मैंने खुद बताया आपको एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 में होता है, बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता. ये थंब रूल हो गया. अब CACS बनने वाले हो, आगे की बातें पता होनी चाहिए. पहले तो बताओ डिविडेंड किसे मिलता है? बिल्कुल शेयर होल्डर गरीब होता है कि अमीर होता है? जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है इतना तो समझ में आता है कि उसके पास भरमसाट पैसा है. अगर हम गरीब लोग कहां इन्वेस्ट करते हैं? FD में. और पैसा आ गया तो ज्वेलरी ले लेते हैं, और पैसा आ गया तो जमीन या घर ले लेते हैं. हमने कभी दिमाग नहीं लगाया कि हम रिलायंस में जाके इन्वेस्ट करेंगे, हम टाटा में इन्वेस्ट करेंगे, हम इंफोसिस में इन्वेस्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि शेयर मार्केट मतलब रिस्क की बिजनेस. रिस्क में पैसा कौन डाले? अमीर लोग. ठीक है अब वो शेयर होल्डर अमीर होना चाहिए. और डिविडेंड मिलता है कितना है? 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 1 शेयर पे मिलता है. ठीक है समझते हो? डिविडेंड ज्यादा नहीं मिलता. फेस वैल्यू का 10 रुपया 10% डिविडेंड दिया तो फेस कितना होता है? 1 रुपया होता है. जबकि फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस शायद उसकी 1000 रुपया होगी. मुझे 1000 रुपया देके 1 शेयर खरीदना है तब फेस वैल्यू 10 रुपये का मिलता है मुझे. और डिविडेंड फेस वैल्यू पे डिक्लेयर होता है तो 10% डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया तो 1 रुपया डिविडेंड देने वाले हैं. समझा आपको? एग्जेम्प्ट रखा है उन्होंने क्योंकि कंपनी टैक्स भरती है.
उसका कुछ और लॉजिक है, डिविडेंड एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? थंब रूल समझ में आया? अमीर लोग कितना एग्जेम्प्ट कमाओगे यार, ठीक है, मतलब मेरा भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है लेकिन इतनी नहीं है जितनी अमीरों की होती है, जैसे अंबानी की होगी ना, जैसे टाटा ग्रुप की होगी, टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन वगैरह होंगे उनके जो शेयर्स में इन्वेस्ट होती है ना, 100-200 करोड़ का डिविडेंड आता है उनको, सोचो उनका इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, कंट्री में सारे लोग इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में, इसलिए उनको इनकरेज करने के लिए डिविडेंड एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। हमें उनको तो इनकरेज नहीं कर रहा ना जो करोड़ों में कमा रहे, वो तो ऑलरेडी इनकरेज है, उन्होंने वहां से कमाया हुआ है। तो उन्होंने लास्ट ईयर में नया सेक्शन इंसर्ट किया 115BBDA और बोला, सर अगर आपने डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से कमाया 10 लाख से ज्यादा, डिविडेंड 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट आपका करोड़ों में होगा, डिविडेंड अगर 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो भरो ना यार टैक्स, वो ज्यादा कहां ले रहे, 10% तो मांग रहे। समझ में आ रहा है, ये किस, ये अमीरों के लिए निकला है कि गरीबों के लिए निकला है? और सुपर रिच होते हैं ना, 10 लाख से ज्यादा तो बंदा डिविडेंड कमा रहा है, बाकी तो धंधे उसके और रहेंगे, कुछ तो बिजनेस होगा, सैलरी इनकम होगा, कैपिटल गेन इनकम होगा, वो सारा अलग है। डिविडेंड जो 10 लाख तक कमा रहा है एग्जेम्प्ट, 10 लाख से ज्यादा कमाओगे तो टैक्सेबल। इसका सेक्शन हम पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे खाली आपको इतना समझना है, 2 नंबर आपको याद रखने, सेक्शन नहीं पढ़ाया मैंने, सेक्शन बहुत बड़ा है, बता रहा हूँ कि ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें डिविडेंड एक्सेप्शनली टैक्स होता है, नॉर्मली डिविडेंड इंडिया में एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, क्लियर। बीबीएफ रॉयल्टी करके एक इनकम है, 10% उसका भी रेट है। तो मैंने आपको कितने, दो देखो, ये दो कहाँ के हैं, कैपिटल गेन, जोड़ी जोड़ी बनाओ, कैपिटल गेन में एक शॉर्ट टर्म पड़ा है, एक लॉन्ग टर्म पड़ा है, शॉर्ट टर्म का 15, लॉन्ग टर्म का 20, दो गंदे इनकम पड़ा है मैंने आपको, जो डायरेक्टली कहाँ पे टैक्स होते हैं, 30-30, दो अच्छे इनकम पड़ा है मैंने, डिविडेंड और रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब कुछ, आपको रॉयल्टी तब मिलेगा जब आपने कुछ इनोवेशन किया हुआ है, और हमारा मोदी गवर्नमेंट तो बोल ही जा रहा है मेक इन इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो आपने अगर कुछ इनोवेटिव किया, नया किया, तो अच्छा है इंडिया के लिए, हम हैप्पी है आपके लिए, तो आपके लिए हमने कंसेशनल रेट रख दिया, कितना 10%, आप मत भरो 30% पे, आप मत दो 20% वगैरह पे, आप डायरेक्टली कितना दे दो बस हमें 30%, एंड वी आर हैप्पी टू एटलीस्ट हैव 10% बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड समथिंग जिसका IPR इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और जितने ज्यादा पेटेंट हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड होंगे उतना इंडिया पैसे कमाएगा, उतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी, उतनी कंट्री डेवलप होगी, इसलिए इनकरेजमेंट देने के लिए हमने रॉयल्टी को कितने पे टैक्स किया है। अभी जब रॉयल्टी यहाँ पे टैक्स हो गया तो रॉयल्टी वहां पे टैक्स नहीं होगा क्योंकि इसका स्पेशल इनकम है, अभी वो तो नॉर्मल रेट के लिए बनता है। यहां तक क्लियर है? अब नॉर्मल टैक्स रेट, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इंडिविजुअल के लिए क्या है स्लैब रेट, AOP, BOI, HUF, AJP इनके लिए बेसिक स्लैब लगता है, बेसिक स्लैब मतलब कौन सा, 2.5 वाला, ठीक है। फर्म LLP का डायरेक्ट रेट कितना है 30%, यहाँ पे चाहिए तो आप LA भी ऐड कर सकते हो, LA मतलब लोकल अथॉरिटी, उसका भी रेट कितना होता है 30% ही होता है। कंपनी में दो कंपनी होती है, डोमेस्टिक एंड एनी अदर मतलब फॉरेन कंपनी, डीको एफको, स्वदेशी विदेशी, ठीक है। विदेशी काम कितना लेते हैं टैक्स रेट 40%। स्वदेशी में दो टाइप की है, गरीब एंड अमीर। गरीब कौन, जिसका टर्नओवर लेस देन 50 लाख था, गरीब थी तो गरीब है तो हमने उससे 25% ले लिया। और जब मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन लड़ा था 2014 में, तब उन्होंने प्रॉमिस किया था सारे कॉर्पोरेट्स को कि हम आपका टैक्स का रेट कम करके दिखाएंगे। यूजुअली ऐसे हो रहा था ना, कॉर्पोरेट्स हमेशा ज्यादा टैक्स भरती है इंडिविजुअल के कंपेरिजन में, क्योंकि कॉर्पोरेट्स कमाती भी ज्यादा है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स हम, मतलब जब भी टैक्स बढ़ाना होता था ना, हम कॉर्पोरेट्स का टैक्स बढ़ा देते थे। 2014 तक का फिलोसॉफी ऐसे था। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट का स्पीच आया तो उन्होंने बोला कि हमें इलेक्ट करके दे दो, कंट्री हमारे हाथ में दे दो, हम कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट देंगे टैक्स के फॉर्म में, हम उनका रेट रिड्यूस कर देंगे। तो करंट ईयर में ये 29 है, ठीक है, उसको और कम करके उन्होंने कितना कर दिया, दे प्रॉमिस एंड दे डिड इट, बट दे डिड इट एट 18-19। क्यों 18-19 में, क्या पहले 3-4 साल नहीं किया, 18-19 में क्यों किया, पर फिर से इलेक्शन आएगा तो वो लोग ने दिखा दिया कि हम कम करके दिखा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से इलेक्ट कर दो फिर बढ़ा देंगे। करेंगे ना, कम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, फिर आने दो 5 साल के बाद, ठीक है। तो पॉलिटिकल एजेंडा होने दो या कुछ भी होने दो, रेट कम हुआ हमारे कॉर्पोरेट्स खुश है, ठीक है। बाकी जो बड़ी कंपनीज है वो तो भरी रही है, मतलब अभी जब उन्होंने बोला था तो ऐसे नहीं बोला था कि खाली छोटी कंपनीज का कम करूंगा, बड़ी कंपनी का नहीं करूंगा, ये तो चुना लगाने वाली बात हुई ना, सालों करना है तो सबका करो। नहीं नहीं सर, हमने उसमें कैटेगरी बनाई है, गरीब कंपनी का हमने कम कर दिया, अमीर कंपनी तो आज भी कितना भर रही है 30%। तो है जो भी है, क्या कर सकते हैं।
अब गवर्नमेंट सबको हैप्पी नहीं कर सकता ना, दे आर नॉट चॉकलेट कंपनी, एवरीबडी शुड बी हैप्पी, कैडबरी नहीं है ना, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका तो बताया था मैंने, अप टू 10,000 10%, 10,000 20,000 20% एंड अबाउट 20,000 30%। 1,000 भी कमाया तभी भी 100 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा, बेसिक नील करके कुछ नहीं है, ठीक है। स्लैब रेट फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP, बिल्कुल क्लियर है बातें, कल हमने बिल्कुल क्लियर करके रखी थी। अप टू 2.5 लाख अगर होगा तो नील, 2.5 लाख टू 5 लाख होगा तो 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउट 10 लाख 30%। हाइएस्ट स्लैब फॉर रेसिडेंट, हमारा बुड्ढा, फॉरेन का बुड्ढा बुड्ढा नहीं होता, एंड आई हेट फॉरेन बुड्ढाज, ठीक है। हाँ तुमको याद है ना, हाँ क्या मतलब, कितना एक्सपेक्टेशन का मतलब ऐसा होता है ना, जाने दो। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख 30%। बेनिफिट कितना मिला इनको, 50,000 का स्लैब बढ़ा के दिया है, टैक्स के टर्म्स में वो खाली कितना है, 2,500, ठीक है। हाईएस्ट स्लैब फॉर रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन, वो लोग बोलते हैं, हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनका एज कितना है, अगर आपको नहीं समझता आप ब्रैकेट में क्या कर देना, इसका एज लिख देना, ये कितना है 60+ है, और ये कितने होते हैं 80+ होते हैं। अच्छा ये 80 कब होने चाहिए, एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, ये बात हुई थी हमारी, ऐसा कुछ कट्टू कट नहीं निकालते हम, एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट पे भी अगर सीनियर सिटीजन बन गया तो ये पूरे साल भर के लिए सीनियर सिटीजन है, ठीक है। और इसका तो स्लैब, पहला स्लैब भी हमने कट कर दिया है डायरेक्ट 5 लाख तक नील, लेकिन 5 लाख के बाद डायरेक्टली 20% एंड अबाउट 10 लाख 30%। तो बेनिफिट पहले स्लैब में, ऊपर वाले स्लैब में कोई बेनिफिट उनको नहीं है, एवरी पर्सन इज पेइंग सेम रेट ऑफ टैक्स इफ दे क्रॉस 5 लाख रुपीज, राइट। फिर इसके बाद हमें और कुछ बातें लिखनी है, इतनी हो गई, ठीक है। और एक सेक्शन आप इसके बाद लिखोगे, ये हो गया नॉर्मल लोगों के लिए। फिर गरीब लोगों की बात करो सर, गरीबों की भी बात करो ना, गरीब एसएससी मतलब कौन से एसएससी, सेक्शन नेक्स्ट नोट है, नोट क्या चल रहा है अपना अभी, 7 चल रहा है ना, नोट 8, सेक्शन 87A रिबेट, रिबेट फ्रॉम टैक्स, रिबेट मतलब सर थोड़ा डिस्काउंट दे दो ना सर, मजा आ जाए, ठीक है। किसको दे दे हम डिस्काउंट, रेसिडेंट, कौन से, सारे रेसिडेंट के लिए नहीं, रेसिडेंट होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, ये इंडिविजुअल होना चाहिए, और जिसका जिसका टी आई मतलब लेस देन और इक्वल टू 3.5 लाख है, उसे रिबेट मिलेगा। एंड हाउ टू कंप्यूट दैट रिबेट, रिबेट इज इक्वल टू, रिबेट इज इक्वल टू रुपीज 2,500 और टैक्स लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर। जल्दी लिखो, मेरा 4:30 का फ्लाइट है, 3:30 के पहले मुझे काउंटर पे होना है, काउंटर पे 30 मिनट्स में पहुंचना है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, गरीबों की बात हुई तो अमीरों को कैसे भूले, अमीर लोग क्या भरते हैं, गरीब लोग रिबेट मांगते हैं, अमीर लोग सरचार्ज भरते हैं, ठीक है। तो सरचार्ज भी लिख लेते फटाफट, कैसे है सरचार्ज अपना, इंडिविजुअल का कैसे है, हाँ कैटेगरीज बनाते हैं हम, उसमें कैटेगरीज बनाते हैं, ठीक है। तो नोट क्या लिखना है आपको, नोट नाइन लिखना है, सरचार्ज ब्रैकेट में लिखना है तो लिखो रिच टैक्स, लिखना है तो लिखो रिच टैक्स, बोलते हैं रिच टैक्स वर्ड से क्या याद रहता है कि अमीर लोग ही खाली भरेंगे। और इसमें स्लैब कैसा है, पहला अपना इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या स्लैब है अपना, 2 स्लैब है, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, अप टू 50 लाख भरेगा क्या, अप टू 50 लाख भरेगा क्या, नहीं, 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और 1 करोड़ 100 लाख से कम अगर है तो 10% ऑफ
इनकम टैक्स, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया मैंने, तो सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, टैक्स के ऊपर निकलता है. और 100 लाख प्लस अगर है तो आपका कितना निकलेगा, 15%. तो इंडिविजुअल की तो बातें याद है आपको, राइट. इंडिविजुअल के बाद कौन था हमारा एसएससी, हमने बात की थी थोड़ा जो डिफिकल्ट है हम मानते हैं, कंपनी. कंपनी में कितनी कंपनी हमारी, दो कंपनी, डीको एफको. डीको मतलब डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी. डीको अगर 1 करोड़ तक कमा रही है, अप टू 1 करोड़ है, तो कितना भरेगी नील, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कमाएगी तो कितना भरेगी डीको, डीको 7%, याद आ रहा है आपको. और अगर 10 करोड़ प्लस कमाया उसने तो 12% भरेगी. एफको, एफको अगर 1 करोड़ तक कमाएगी तो नील, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ कमाएगी तो कंसेशनल दिया हमने 2%, और 10 करोड़ प्लस कमाएगी तो 5%. आई होप ये सब याद हो रहा है आपको धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि याद करना है हमें, लिखना तो क्या है, लिख तो हम टाइम पास के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि घर वालों को जाके नोटबुक दिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम भी तो शक ऐसे ही करते रहते हो लोग कि कहाँ क्या पता कहाँ कहाँ जाता है, ठीक है, तो उसको जाके दिखाओ कि आज देखो आज का डेट लिखा है, 4 पेज पटले ने लिख के दिया हुआ है, ठीक है, कल तो कुछ नहीं लिख के गए थे ना, तो कल का रिस्की था थोड़ा, कल अगर घर वाले बैग खोल के तुम क्या दिखा पाते, और कल का तो आपका अटेंडेंस भी नहीं हुआ था, आज इनका डबल अटेंडेंस ले लेना. और ये नालायक जो स्टूडेंट है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में चॉकलेट नहीं लाया ना इसने, इसकी किडनी निकालनी है. अपना इक्विपमेंट लेके आओ सर, गंज लगा हुआ चाकू, मतलब चाकू से नहीं मरा, मरेगा चलेगा, पॉइजन होना चाहिए. हाँ, डस्ट लगा हुआ चाकू से मारेंगे तो क्या मजा आता है पता है. अब एनी अदर पर्सन बोलो या सबका नाम लिख दो, ठीक है, तो मैं एनी अदर लिख दूं, ठीक है, एनी अदर में क्या क्या आएगा, अभी एओपी बीओआई फर्म सब आ जाएंगे, ठीक है, तो चाहिए तो वो लिख दो, एओपी बीओआई एचयूएस एजेपी फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी ना, अगर ये सबका एंड एनी अदर. इसका क्या है, इन लोगों का सिंपल, अप टू 1 करोड़ नील, अबाव 1 करोड़ 12%, स्टैंडर्ड है इनका 12%. 12% इज द ऑर्डिनरी रेट ऑफ सरचार्ज. यहां पे एक खाली एक ऐसा हाईलाइटेड में ना एक लाइन लिखनी है आपको, सरचार्ज इज सब्जेक्टेड टू मार्जिनल रिलीफ. ये क्या होता है आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, नहीं तो पक्का मेरा फ्लाइट मिस होगा. सरचार्ज इज सब्जेक्टेड टू मार्जिनल रिलीफ. ये मेरा नेक्स्ट नोट होगा, मुझे याद दिला देना, ये जो नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, वी विल स्टार्ट विथ मार्जिनल रिलीफ कॉन्सेप्ट. अप टू 1 करोड़ नील, अबाव 1 करोड़ 12%. जल्दी 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 हो गया साइड. हाँ रुको सालो, मुझे गाई है, मेरा फ्लाइट की आपका है, बैग भरना चालू. गार्निशिंग बाकी हमारा, हाँ तो लिखो नेक्स्ट नोट, नोट 10. एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 2%. एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 2%. एजुकेशन सेस, सेस का स्पेलिंग क्या होता है, CESS, एजुकेशन सेस. एजुकेशन का तो स्पेलिंग पता है, हाँ थैंक यू. एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 2% ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज.
इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज. तो पहले सरचार्ज लगाओगे कि पहले सेस लगाओगे? सरचार्ज, ठीक है, इसलिए वो लिखना पड़ता है. सेकेंड लाइन पे सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 1%. सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 1%. दैट्स ऑल. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट.